नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल प्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हैदराबाद में घटित घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग। डिंडोरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा हैदराबाद में बलात्कार करने के बाद डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की निर्मम हत्या करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए डिंडोरी जिला मुख्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा निकाली गई कैंडल मार्च, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने सम्मिलित होकर विरोध जताया। छात्र छात्राओं के द्वारा कैंडल जलाकर उनकी आत्मशांति के लिए 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। परिषद के माध्यम से निकाला गया, जो 27 नवंबर को हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, रेप, उनके खिलाफ किया गया है कि उन्हें जल्द से जल्द उन्हें सजा मिले और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे दोषियों को मौत से भी बढ़कर अगर कानून में ऐसी कोई सजा है वो देना चाहिए उनको। वहीं डिंडोरी में बैंक मैनेजर और दलाल के खिलाफ हितग्राही ने की पुलिस अधीक्षक से शिकायत। शिकायत वापस लेने के लिए दे रहे हैं धमकी। यूनियन बैंक सक्का के मैनेजर और बैंक के दलाल सहित गार्ड एवं एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ हितग्राही ने लिखित शिकायत जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को दी। आवेदक ने पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र में बताया कि दिनांक 19 नवंबर की सुबह बैंक मैनेजर एवं दलाल गोदास तथा बैंक का गार्ड एवं एक अन्य व्यक्ति मेरे घर खरगवारा द्वारा आए थे। मुझे मारने पीटने एवं गाड़ी में जबरदस्ती हाथ पकड़कर बैठाने का प्रयास कर रहे थे। बैंक मैनेजर के द्वारा मोबाइल से रिकॉर्डिंग भी की जा रही थी। हितग्राही ने बैंक मैनेजर और उसके गुर्गों पर कॉलर पकड़कर मारपीट करने तथा जातिगत गाली देकर धमकाने का आरोप लगाया। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए डिंडोरी से प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। अब इन लड़के लोग बैंक गए तो बैंक वाले कह दिए कि भाई 2-4 दिन बाद आना, ये फिर फलाना तारीख को आना, ढकाना तारीख को आना, ऐसे करके साल भर ये हमको परेशान किए और मुर्गा भी मंगाए, सर मुर्गा भी ला के इनको खिलाए और ये अधिया डिमांड कर रहे हैं साहब, ये जब हमको अगर 7 लाख कराओगे तो हमको आधा पैसा दोगे तब ही हम लोन पास करेंगे। तो हमने लगा दिए फिर हेल्पलाइन। अब जब हेल्पलाइन में शिकायत किए तो हेल्पलाइन का शिकायत वहाँ पर पहुँचे तो ये हमारे घर पहुँचे साहब। सर मैंने लोन लिए सर, लोन जिला व्यापार से पास करवाया सर, उधर बैंक ले गया सर, बैंक ले के उधर पास नहीं हुआ सर मेरा लोन। मैं जाके पूछ रहा था सर कैसा क्या है सर, लोन पास क्यों नहीं हो रहा है सर। तो उन्होंने बोला सर तुम्हारा कार्रवाई किया सर, तो फिर उधर से कल गया सर मेरे इधर घर में पूछताछ के लिए। तो पूछताछ के लिए सर मेरे को इधर वो बंदूक धर के गया था चारों लोग और मेरे को मारने झुपड़ने लगा सर, बंदूक टिकाने लगा सर। कौन थे वो लोग? वो सर गौदास मोंगरे सर, वो मैनेजर था सर और गार्ड सर। यूनियन बैंक के खिलाफ में शिकायत दर्ज कराई है, क्या शिकायत है और क्या कार्रवाई की जाएगी? आवेदक है लखन सिंह ध्रुवे निवासी खरगवारा, जो थाना क्षेत्र महदवानी में आता है। उन्होंने यूनियन बैंक के मैनेजर और उनके कर्मचारियों के द्वारा उसके साथ ज्यादती और धमकी देने और मारपीट करने की शिकायत किया है। उन्हें थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि इसमें तत्काल जांच करें और जो भी